मेरे हाथों से जो पौधे लगे हैं वो तकरीबन 15-20 हज़ार पौधे लग चुके हैं अब तक। ये है भटिंडा के मैंगोमैन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने शहर में इतने सारे आम के पेड़ लगाकर इसे एक सुंदर बगीचे में बदल दिया। आम के दरख्त लगाने हैं, आप चंडीगढ़ पंचकूला साइड जाओ, पटियाला जाओ, आम के दरख्त ज़्यादा लगे हुए हैं। मैं देखता रहता था कि वो एरिया एक तरह का एवरग्रीन लगता है, हर साल वो ग्रीनरी है वहाँ पे। आम का दरख्त इस किस्म का है कि वो सदा एवरग्रीन रहता है। पेशे से इंग्लिश के प्रोफेसर रहे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने साल 2015 में अपने शहर को भी हमेशा से हरा भरा बनाए रखने के लिए आम के पेड़ लगाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने प्लांट मैंगो ट्रीज फॉर एवरग्रीन मालवा के नाम से एक ग्रुप और साल 2018 में एक संस्था बनाकर लोगों को फलदार पौधों के लिए जागरूक करना शुरू किया। के पहले पहले लोग कहते होंगे कि ये काम क्या है, कि गुठली लगाने का काम छोटा काम मानते होंगे लोग, पर मैं कहता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी ये मालूम नहीं था कि गुठली से आम भी बन जाता है, आम का पेड़ बन जाता है, पर अब नॉलेज होने लगी है लोगों को कि ये हो सकता है। भूपेंद्र सिंह के शौक और मुहिम से आज हजारों लोग जुड़कर काम कर रहे हैं, जिससे शहर में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। इस मैंगो मैन ने अपने प्रयास से साबित कर दिखाया कि एक अकेला इंसान भी अपनी पहल से समाज और पर्यावरण में बड़े से बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप भी भूपेंद्र सिंह के प्रयासों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।